सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं राजीव रंजन आसिफ आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोअप। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोअप, देखिए होता क्या है, जब हम किसी को प्लान देते हैं, जब हम किसी की प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी को सेमिनार दिखाते हैं, तो दिखाने के बाद हमें क्या करना चाहिए वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जब आप प्लान दिए हैं, जिस भी समय में प्लान दिए, उससे 24 घंटे के बाद, कितने 24 घंटे के बाद आप क्या करें कि उस इंसान को इन्वाइट करें, बुलाएं। क्योंकि देखिए प्लान के अंदर में होता क्यों है और बुलाना क्यों ही है, मैं बता रहा हूं। प्लान के अंदर में जब आप प्लान दे रहे होते हैं तो सबसे पहली बार वो आपसे मिल रहा होता है किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके। तो हो सकता है कई ऐसी चीजें होंगी जो प्लान, प्रेजेंटेशन या सेमिनार के अंदर में लोगों को समझ में नहीं आता है। जब आप 24 घंटे के बाद उसे रिकॉल करने के लिए बुलाते हैं और जब वो बंदा मिलता है और आपसे आता है, बैठता है, तो बात क्या करना है वही आज मैं बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले, कोई भी इंसान आपके पास आपके प्लान को देखकर, आपके बिजनेस के प्लान को देखकर, जब 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद श्योर मिलना है। जब आप 24 घंटे के बाद मिलेंगे और मिलकर सबसे पहला सवाल जो आपका होगा वो ये होगा, और कैसे हैं, कैसा लगा कल का, रात कैसा गया आपका, आपने जो प्लान देखा क्या रात में नींद आई आपको, उसका जवाब वाकई में होगा। अगर वो समझा होगा तो उसका जवाब होगा कि मैं तो रात भर सोचता रहा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर उसका जवाब ऐसा रहा तो विश्वास मानिए कि उसको प्लान का कुछ हिस्सा समझ में आया है। अगर उसका जवाब कैजुअल रहा, अगर उसका जवाब नॉर्मल रहा, तो समझिए कि उसने प्लान ही नहीं समझा। क्योंकि मैं बताता हूं, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता हूं कि मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा था और मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मिला था तो मैं उस रात तो सोया ही नहीं था, मैं सोचता रह गया यार इतने जबरदस्त सिस्टम है, इतना जबरदस्त इनकम हो सकता है, इतना जबरदस्त लाइफ स्टाइल हो सकता है, पूरी रात मैं सोचता रह गया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि अगर गेस्ट प्लान समझा होगा तो उसके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ या हुआ, दोनों को लेकर मैं आगे की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप उसको समझ जाइए कि अगर उसने नहीं का जवाब दिया है तो आप समझ जाइए कि बहुत सारी चीजों को फिर से क्लियर करना होगा। अगर उसने हां का भी जवाब दिया है तो फिर से आपको क्लियर करना होगा। तो सबसे पहला सवाल आप उनसे करें कि मुझे बताइए कि आपको कल के प्लान में दो चीज दिखाया गया, एक दिखाया गया होगा प्रोडक्ट और एक दिखाया गया होगा बिजनेस, आपको बढ़िया कौन लगा। ऑब्वियसली बात है, उनका जवाब होगा प्रोडक्ट, या फिर उनका जवाब होगा बिजनेस, या फिर उनका जवाब होगा दोनों अच्छा लगा। देखिए कोई भी जवाब उनका हो, उनका जवाब अगर प्रोडक्ट का है तो आप बिजनेस को लेके बात करिए, अगर उनका बिजनेस का है तो आप प्रोडक्ट को लेके बात करिए, अगर उनका जवाब दोनों है तो बहुत बेहतरीन है, मजा आएगा बात करने में। और एक चीजों का ख्याल जरूर रखें, जब बात करना शुरू करें तो भरवली बात ना करें, टॉक ना करें, आप एक पेन और पेपर जरूर लें। क्योंकि पेन और पेपर इसलिए लें क्योंकि गेस्ट का कंसंट्रेशन पेन और पेपर पे होता है। अगर भरवली बात करेंगे तो याद रखिए आप एक दूसरे के अपोजिट दिशा में खड़ा होंगे, आप बात करेंगे उनके मुंह देख के, वो आपकी बातों को सुनेंगे किसी और के मुंह देख के, तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो आप उनके दिमाग में डालना चाहते हैं वो नहीं जा पाएगा। इसलिए एक पेपर पेन लेकर जरूर बात करें और बात शुरू करें प्रोडक्ट से, चाहे वो उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, चाहे बिजनेस अच्छा लगा, या चाहे दोनों अच्छा लगा, एक बार ब्रीफिंग जरूर करें पूरे प्लान का। जब एक बार पूरा ब्रीफिंग करेंगे पूरे प्लान का तो उसके दिमाग में फिर से एक छोटी छोटी पॉइंट्स जो सेमिनार, जो प्रेजेंटेशन में नहीं क्लियर हो पाता है, चाहे तो उसके हेजिटेशन से, चाहे तो शोर शराबा को देख के, चाहे तो वो वहां की मतलब माहौल को देख के पूछ नहीं पाता, वो आप क्लियर करेंगे। जब वो क्लियर करेंगे तो उनको डिसीजन लेना और आसान होगा। और एक पॉइंट तो ये करें, आप पूरा पेपर से ऊपर से लेके पूरा प्रोडक्ट, बिजनेस, फायदे, सारी चीजों को लिख कर एक बार रिकॉल कराइए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर में है, आज नेटवर्क मार्केटिंग का हर एक कंपनी का अपना अपना वेबसाइट है। मुझे मालूम है बहुत सारी कंपनियों के एसोसिएट को वेबसाइट दिखाना आता ही नहीं क्योंकि उनके ट्रेनिंग में चलता ही नहीं वेबसाइट। याद रखिए साहब, जो चीज आपने बताया है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसेंटली में दिखाने के लिए इंटरनेट होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी में की कंपनी की प्लान देखकर कोई भी बंदा कंपनी को देखने दिल्ली, देहरादून और फलना ढिकना कहीं नहीं जाता, वो आपके विश्वास को देखता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, और वो कॉन्फिडेंस का साथ देने वाला चीज होता है इंटरनेट। जब इंटरनेट पे आप जाकर उनका बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, और ये दो प्रोसेस, पहला प्रोसेस टॉक विथ पेपर पेन, दूसरा प्रोसेस इंटरनेट, जब ये दो चीज करेंगे तो तीसरी चीज होगी कि वो बंदा एक फैसला लेके आएगा कि हाँ मुझे शुरुआत करना है। और उसके बाद आप उनको अपने शुरुआत करने का तरीका बताइए कि आपने क्या इसके बाद डिसीजन लिया था, किस तरीके से आपने शुरुआत करने का सोचा था, वो क्लियर करिए। आप 15 से 20 मिनट का टॉक करिए, सेल्फ
खुद को लेके आप 15 से 20 मिनट टॉक करेंगे। जंप ये बेहतरीन, ये तीन काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहला काम प्रोडक्ट और बिजनेस की सारी डिटेल्स पेपर पे, दूसरा काम इंटरनेट और तीसरा काम सेल्फ टॉक। जब ये तीन काम बेहतरीन तरीके से करेंगे तो वो बंदा एक सही निर्णय पे आएगा और वो बंदा आपके साथ आपके सिस्टम में आने को तैयार हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक, और कीप ग्रोइंग विथ फुल ऑफ वॉट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू।